आज का विशेष दिन हम सबको, हम सबकी प्यारी दादी हर पल याद आने की लहर का दिन है और हमें सुबह सुबह से लेकर दादी के साथ बिताए हुए इतने सालों की कहानियाँ याद आती है। दादी विश्व की माँ तो है ही है, लेकिन मेरे लिए एक विशेष माँ से लेकर बढ़कर एक विशेष पार्ट बचाया है। दादी के मिले हुए प्यार और पालना के रिटर्न में आगे मैं क्या करूं, वो सुबह से मैं सोच रही हूं और दिल भर आता है, वो प्यार याद आता है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें से कुछ शब्द आप सबको सुनाना चाहूंगी। दादी जब पहले मिली तो ऐसी दृष्टि मिली, अहमदाबाद से आबू ले आए, बाबा से मिलाया, नाम रंजन से वेदांती करवा दिया, रंगीन कपड़ों से सफ़ेद कपड़े पहनवा दिया। और मुझे याद है कि उस समय में डर लगता है ना शुरू शुरू में, तो जैसे एकदम दिल छोटा हो जाता था कोई कोई बात में। तो दादी ने शुरू में ही कहा कि वेदांती छोटा दिल नहीं करो किसी बात में, स्ट्रिक रीति से छोटा दिल नहीं करो किसी बात में। तब से लेकर आज तक दादी ने खाली डायरेक्शन या करेक्शन या एडवाइस नहीं, पर वो पावर दे दिया कि कुछ भी हो जाए कभी भी किसी बात में छोटा दिल नहीं करना है। तो दादी ने जैसे बड़ा दिल बना दिया। उसके आगे जब दादी फर्स्ट विदेश यात्रा पर जा रही थी तो मैं एयरपोर्ट तक बॉम्बे दादी को बाय बाय करने गई, तो मैंने दादी को कहा, दादी आप तो विदेश की सेवा पर जा रहे हैं, अब हमें यहाँ भारत में क्या करना है? तो दादी ने कहा, जो महारथी होता है ना वो जंप लगा के दीवार को तोड़ के आगे जाता है। दादी के वो शब्द कुछ समय में ही साकार हो गए और मेरा अफ्रीका और विदेश की सेवाओं का पार्ट शुरू हो गया। दादी बहुत नहीं बोलती थी, थोड़े ही शब्द बोलती थी, पर वो थोड़े शब्दों में सब कुछ कह देती थी। तो अभी लास्ट लास्ट जब मैं आई तो दादी ने कहा, देखो दादी से जितना बैठना है मिलना है, समय बिता लो, समय का भरोसा नहीं। तो मैंने हंस के कहा कि दादी आप अफ्रीका आएगी? अभी 103 साल की दादी को मैं कह रही हूँ अफ्रीका आएगी? बोला हाँ हाँ, हंसा से बात कर लो। हंसा बहन से बात की और दादी आई। 103 साल की उम्र में भी दादी नैरोबी आई, तो आप सोच लीजिए। और अभी भी देख रहे हैं कि दादी का लास्ट ईयर अंतिम क्रिया हुई तो भी कम संख्या, और अभी अचानक ऐसे रूल आ गए कम संख्या। तो दादी का जो अंदर से स्ट्रांग थॉट हर बात में था वो कार्य कर रहा था और कर रहा है। ऐसी दादी के लिए हमें दिन रात बाप दादा की प्रत्यक्षता का कार्य करने के लिए आज दृढ़ संकल्प लेने का ऐसा सुंदर मौका है। और मैं ये कहूँगी कि दादी ने पालना दी तो साथ साथ में हमें शुरू से ही दादी ने जयंती बहन के साथ इतना सुंदर एक रिलेशन करवाया। और दादी ने कहा कि ये दो बॉल मेरे हाथ में थे, वेदांती और जयंती, दोनों बॉल मैंने फेंके तो एक मेरे गोल गोल घूम रहा है और एक दूर जाके घूम रहा है। माना हम दोनों थे तो मैं और सेवाओं में और वो और सेवाओं में, तो जैसे हमें लगता है हम दोनों जैसे जुड़वा सिस्टर है, ऐसे दादी ने एक मेरी बुद्धि में डाल दिया।
दादी थी भी और दादी गए भी तो जयंती बहन ने उतना ही मेरा ध्यान रखा है और रख रही है, तो मुझे जैसे होता है अभी साथ में ही है। और दादी का 104 साल तक शुरू से लेकर जिन्होंने ध्यान रखा, तन का, दादी का, दादी के कारोबार का, दादी के इशारे को समझने का, तो हंसा बेन, उनके पहले भी जिन्होंने सेवा की हो, उनके साथ भी जिन्होंने सेवा की, उन सब के लिए मेरे दिल में बहुत बहुत अप्रिसिएशन है। और आज जब ये देखते हैं शक्ति स्तंभ, तो वो कितनी मेहनत लगी होगी, कितने लोगों ने मेहनत करके आज ये एक स्थान बनाया जो यहाँ होते सारे विश्व में शक्ति देगा। तो ये सब बातें जैसे मुझे एकदम एक्सट्रीम शक्ति दे रहा है। और मुझे आज के दिन हमारी दादी के लिए अंदर से यही आ रहा है कि मेरी दादी बोलो क्या करना है, मैं हर एक बात करने लिए तैयार हूँ। ओम शांति, ओम शांति,